हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं IBPS RRB PO क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के डे टू पर। हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं 7 days 7 tests पर। आज है इसका डे टू। डे वन में हम लोगों ने बेस्ट 40 क्वेश्चंस देखे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम लेवल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पर हमारा मोटिव क्या है कि हम एग्जाम में 35 प्लस क्वेश्चंस को सही कर पाएं आउट ऑफ 40। तो चलिए आज इस सेशन में भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बेहतर परफॉर्म करें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, ताकि एग्जाम में कितना भी घुमा के क्वेश्चन क्यों ना पूछे, हम क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाए। चलिए गाइस, गेम चेंजर है कंप्यूटर सब्जेक्ट, और यहां पर बेटर स्कोर करना है वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर, है ना। तो टाइम भी बहुत मैटर करता है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस को बड़ा कर दिया जाता है ताकि कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाएं, जो पढ़ा है उसमें कंफ्यूज हो। लेकिन सचिन सर का वादा है कि आपको कंफ्यूज होने नहीं देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी कि आप एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। हैव अ लुक गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अगर आप RBI और IBPS RRB के कोर्सेस को एनरोल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से एक बार तैयारी कर ली जाए कंप्यूटर सब्जेक्ट की, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर को पढ़ लिया जाए, इन कम दिनों को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए, ताकि हम इस तरीके से पढ़ाई करें कि सबसे पहले PDF से पढ़ना शुरू करें और जहां पर हमें रिक्वायरमेंट लगे हम वीडियोस को देख लें, ताकि जितनी भी PDF हमने आपको प्रोवाइड की हुई हैं उनको आप बेटर तरीके से पढ़ पाए। और साथ ही साथ जहां भी आपको डिफिकल्टी लगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आप वीडियोस को भी एक बार देखें कम समय के अंदर, स्पीड को इनक्रीज करके, जिससे कि मैक्सिमम कवर आप कर पाए। तो आप बिल्कुल इस कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। कोर्स से एनरोल करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा iOS स्टोर या गूगल प्ले स्टोर की मदद से, और फिर आप इस बेटर कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी कितनी है गाइस? वैलिडिटी है 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहां पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोज, MCQs, PDF, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, सभी कुछ यहां पर मिलने वाला है। ये आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी ये कोर्स सफिशिएंट रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन पर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको लग रहा है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी सजेशंस, आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है वो आप यहां पर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कर दीजिएगा और आपको यहां पर मेरी तरफ से गाइडेंस जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। क्वेश्चन क्या था? IBPS का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, What is the size of a sector on a hard disk? Hard disk की बात करें या floppy disk की, इनमें data जहां पर store होता है उसे बोलते हैं sector। और ये question भी exam में पूछा जाता है कि floppy disk और hard disk में data कहां पर store किया जाता है, तो answer क्या होगा? Sector में store किया जाता है। और हर एक sector का जो size है वो कितना है? 512 byte है। तो correct answer यहां पर होगा 512 bytes, that is the valid answer, है ना। याद रखिएगा, कई सारे कैंडिडेट्स ने गलत आंसर भी दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? 512 bytes। ये सेक्टर का साइज होता है फ्लॉपी डिस्क में भी और हार्ड डिस्क में भी। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका क्या होगा आंसर। बाय डिफॉल्ट Any new workbook you create in Excel 2021 will contain dash worksheet. Default रूप से Excel 2021 में
आपके द्वारा बनाई गई किसी भी नई वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होंगी। अब ये क्वेश्चन कैंडिडेट को काफी परेशान करता है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर थ्री वर्कशीट भी हो सकता है और वन वर्कशीट भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट रूप से पहले के समय तीन वर्कशीट हुआ करती थी, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में जो वर्कशीट है वो एक होती है बाय डिफॉल्ट। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर किस किस वर्जन के केस में वन लगाएंगे और किस वर्जन के केस में थ्री लगाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर क्वेश्चन में 2016, 2019, 2021 या 365 इन वर्जन्स की बात की जाएगी तो आंसर होगा वन वर्कशीट, यानी लेटेस्ट वर्जन कहां से 2016 से लेकर उसके आगे वाले वर्जन 16, 19, 21 या 365 इन सभी वर्जन्स के केस में आंसर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट वन वर्कशीट। और इसके पहले वाले वर्जन्स के बारे में पूछा जाए 2003, 2007, 2010, 2013 इन सभी वर्जन्स के केस में आंसर क्या होगा गाइज? थ्री वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट तीन वर्कशीट ओल्ड वाले वर्जन के केस में, और न्यू वाले वर्जन के केस में आंसर वन वर्कशीट होगा। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट विच, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि सर ये बताइए कि अगर यहां पर ये मेंशन ही ना हो, यहां पर ये चीज गिवन ना हो कि किस वर्जन से पूछा जा रहा है, वर्जन अगर गायब कर दे तो आंसर क्या लगाएंगी? अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होता बाय डिफॉल्ट एनी न्यू वर्कबुक यू क्रिएट इन एक्सेल विल कंटेन डैश वर्कशीट, अगर वर्जन मेंशन नहीं है तो इस केस में पुराने वाले वर्जन के अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे, दैट इज थ्री वर्कशीट। याद रखिएगा अगर कोई भी वर्जन मेंशन नहीं है तो इस केस में आंसर होगा ओल्ड वाले वर्जन के अकॉर्डिंग थ्री वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। समझ में आ गया? वेरी गुड। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर राइटिंग मैक्रोस इन एक्सेल, एक्सेल में मैक्रोस लिखने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा को उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेल की बात करें, एमएस वर्ड की बात करें, एमएस पावर पॉइंट की बात करें, सभी में मैक्रोस का यूज होता है रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए। जिस टास्क को हम बार बार करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस। और मैक्रोस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एग्जाम में वीबीए की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम मैक्रोस को डेवलप करते हैं, मैक्रोस को डिजाइन करते हैं, और वीबीए की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। कई बार एग्जाम में सिर्फ विजुअल बेसिक भी दिया होता है, तो या तो विजुअल बेसिक हो या वीबीए हो, बात एक ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल 365? एक्सेल 365 में नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए आपको एक्सेल में क्या करना है? नई वर्कशीट ऐड करनी है, क्रिएट करनी है। जैसे बाय डिफॉल्ट एक हो सकती है, बाय डिफॉल्ट तीन हो सकती हैं वर्जन के अकॉर्डिंग। और आपको अगर कोई नई वर्कशीट ऐड करनी है या क्रिएट करनी है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी गाइस? शिफ्ट F11, ऑल्ट शिफ्ट F1, ऑल्ट F11, 1 एंड 3 या 1 एंड 2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ। ये दोनों सही जवाब है, यानी क्रिएट करने के लिए नई वर्कशीट को शिफ्ट F11 भी कर सकते हैं या फिर ऑल्ट शिफ्ट F1 भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट है। क्लियर? वेरी गुड। याद रखिएगा शिफ्ट F11 और ऑल्ट शिफ्ट F1। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट जूम लेवल इन एमएस वर्ड 365? एमएस वर्ड 365 में बाय डिफॉल्ट जूम स्तर क्या है? 100%, 50%, 200%, 400% या 500%?
हम जानते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी प्लेटफॉर्म्स में जो बाय डिफॉल्ट जूम है वो 100% है। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 100% सभी प्लेटफॉर्म्स में। इसका मतलब जैसे ही हमें दिखेगा बाय डिफॉल्ट, हम आंसर क्या लगा देंगे, 100% बाय डिफॉल्ट। वेरी गुड। नेम द फर्स्ट प्राइवेट सर्च इंजन हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया इन 2021। हाल ही में कई सारे एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। 2021 में भारत में विकसित किए गए पहले निजी सर्च इंजन का नाम बताइए। सर्च इंजन का काम क्या होता है? सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करके क्लाइंट को देना, यही काम तो होता है सर्च इंजन का। सर्च इंजन बिंग, याहू, नेवर, आस्क डॉट कॉम और क्यू मामू, ये सभी सर्च इंजन है। लेकिन इंडिया का डेवलप किया गया सर्च इंजन जो काफी प्राइवेट है, सिक्योर है, दैट इज कॉल्ड क्यू मामू, यानी ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज दी राइट वन। तो काफी सारे सर्च इंजन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है ना, हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही फेमस सर्च इंजन है और पूछा भी जाता है, दैट इज कॉल्ड बिंग सर्च इंजन। याहू भी है, नेवर भी है, आस्क डॉट कॉम भी है, लेकिन इंडिया का डेवलप किया गया सर्च इंजन है क्यू मामू और इसे डेवलप किया गया है 2021 यानी 2021 में। वेरी गुड। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट वैल्यूज इन एक्सेल? एक्सेल में वैल्यू पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर हमें एमएस एक्सेल में वैल्यू को क्या करना है गाइस, पेस्ट करना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? वैसे तो हम जानते हैं कि पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सेल में वैल्यू पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट वी होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट वैल्यू इन एक्सेल। वेरी गुड। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फॉर्मेट सेल इन एक्सेल? एक्सेल में सेल्स को फॉर्मेट करने की शॉर्टकट की क्या है? सेल को फॉर्मेट करने का मतलब क्या है? अगर हमें सेल में कुछ एडिटिंग करनी है, अगर एक्सेल में जो सेल्स हैं उनमें कुछ बदलाव करना है, कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं? हम वहां पर F1 की का भी यूज कर सकते हैं, सॉरी वहां पर F2 की का भी यूज कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि F2 की मदद से हम किसी सेल को एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक की और है जिसकी मदद से सेल को एडिट किया जा सकता है और वो कौन सी है गाइस? Ctrl+1। Ctrl+1 की मदद से भी हम किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, किसमें? एमएस एक्सेल के केस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया? निम्नलिखित में से किस फंक्शन को उपयोग किसी विशिष्ट मानदंड को पूरा करने वाली श्रेणी में कोशिकाओं की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है? काउंट फंक्शन, यानी काउंट का यूज तो हम तब करते हैं जब नंबर्स को काउंट करना है। क्या यहां पर काउंट नंबर्स लिखा हुआ है? नहीं, हमें सेल्स में नंबर्स को काउंट तो करना है, लेकिन इसके साथ में दिया हुआ है दैट मीट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाए, जिसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ का। सिर्फ नंबर्स को काउंट करने के लिए सेल में काउंट का यूज करते हैं, सभी को काउंट करने के लिए काउंट ए का यूज करते हैं, ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं, और किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए नंबर्स ऑफ सेल को काउंट करने के लिए काउंट इफ का यूज करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड? किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष प्रभाव क्या कहलाता है? बताइए, स्लाइड्स कैसे आएंगी और स्लाइड्स कैसे जाएंगी, इन्हें
किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? स्लाइड्स के ऊपर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो हम एनिमेशन के द्वारा कंट्रोल करते हैं, लेकिन स्लाइड्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा गाइज? ट्रांजिशन। स्लाइड्स एंटर कैसे करेगी और स्लाइड एग्जिट कैसे करेगी, इसे कंट्रोल करने के लिए पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्विकली एक्सेस्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में से किस तक अधिक शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है? रैम, कैशे मेमोरी, डी रैम, एस रैम या ऑल ऑफ दीज? इसका मतलब है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी। क्विकली एक्सेस का मतलब फास्टेस्ट, और हम जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। क्या रजिस्टर क्वेश्चन में गिवन है? जी नहीं। और रजिस्टर नहीं गिवन है तो फिर हम क्या बोलते हैं? कैशे। क्योंकि दूसरे नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी है कैशे। क्या कैशे गिवन है? यस, सो द करेक्ट आंसर इज कैशे मेमोरी। तो अगर रजिस्टर गिवन नहीं होगा तो हम कैशे लगाएंगे, और कैशे भी गिवन नहीं होगा तो हम रैम लगाएंगे, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट है रजिस्टर, फिर है कैशे, फिर है रैम, है ना? दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। द ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड कैशे इज कॉल्ड? ये तो प्रीवियस ईयर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, है ना? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। बताइए, सीपीयू और कैशे के बीच में जो ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक ट्रांसफर, वर्ड ट्रांसफर, सेट ट्रांसफर, एसोसिएटिव ट्रांसफर या ऑल ऑफ दीज? जब भी सीपीयू यानी प्रोसेसर को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले रजिस्टर में ढूंढता है, नहीं मिलता तो कैशे में ढूंढता है, और कैशे और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड वर्ड ट्रांसफर। क्या होता है गाइज? दैट इज कॉल्ड वर्ड ट्रांसफर। कैसे याद रखें? बचपन में हमें सी डब्ल्यू मिला करता था, है ना? क्लास वर्क जिसको बोलते थे सी डब्ल्यू, और डायरीज में हमेशा सी डब्ल्यू करके लिखा होता था, ये सी डब्ल्यू है, ये एच डब्ल्यू है। एच डब्ल्यू मतलब होमवर्क और सी डब्ल्यू मतलब क्लास वर्क। तो सीपीयू और कैशे दोनों सी से शुरू है, तो आंसर क्या होगा? डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू का मतलब वर्ड ट्रांसफर। सीपीयू भी सी से शुरू है और कैशे भी सी से शुरू है, तो आंसर क्या ढूंढ लेंगे? डब्ल्यू यानी वर्ड ट्रांसफर। अब याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बदल देते हैं, क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि वर्ड ट्रांसफर क्या होता है, और ऑप्शन में दिया होगा द ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड कैशे, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना? तो क्वेश्चन को बदल देते हैं, आंसर को क्वेश्चन बना देते हैं और क्वेश्चन को आंसर बना देते हैं। नेक्स्ट, द प्रोटोकॉल डिजाइन टू मेक द सिक्योरिटी ऑफ वायरलेस लैन एज गुड एज दैट ऑफ वायर्ड लैन? कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की सुरक्षा को वायर्ड लैन जितनी अच्छी बनाने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया है? देखो, कह रहा है कि जो वायर्ड लैन होती है उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, और वायर्ड लैन की सिक्योरिटी वायरलेस लैन को देने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाई गई है दैट इज कॉल्ड WEP। WEP का मतलब वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। WEP मतलब वायर के इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जो कि वायरलेस लैन में लगाई गई है, जो कि वाईफाई में लगाई गई है, दैट इज कॉल्ड वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। आजकल इसका यूज नहीं होता, आजकल इसकी जगह WPA का यूज होता है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज होता है, लेकिन पहले के समय में WEP प्रोटोकॉल का यूज होता था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि WEP को किसने रिप्लेस किया है, तो आंसर क्या होगा? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA के द्वारा। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू सेल्फ रेप्लिकेट
एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स। डैश एक प्रकार का मेलवेयर है, मेलवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो नुकसान पहुंचाता है, जिसका प्राथमिक कार्य स्वप्रतिकृति बनाना है यानी सेल्फ रेप्लिकेट करना है और अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित करना है। दैट इज कॉल्ड वॉर्म, वायरस, ट्रोजन, बॉम्ब या ऑल ऑफ दीज। सोचिए, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि क्वेश्चन में अगर सेल्फ रेप्लिकेट आएगा, सेल्फ रेप्लिकेट, तो इस केस में हमेशा आंसर क्या होगा? वॉर्म होगा, है ना। जैसे ही आप देखें स्वप्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेट, हमेशा ये देखते ही आंसर क्या लगा दीजिए? दैट इज कॉल्ड वॉर्म। राइट वंस रीड मैनी, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है गाइस, लेकिन इस केस में कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर लगा देते हैं ट्रोजन, वायरस, जबकि करेक्ट आंसर सेल्फ रेप्लिकेट में वॉर्म होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में वॉर्म है ही नहीं तो फिर आंसर वायरस होगा, है ना, ये भी याद रखिएगा। अगर वॉर्म नहीं है तो वायरस होगा, और अगर वॉर्म है तो क्या होगा गाइस? वॉर्म ही होगा। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन ओनली बी रीड नॉट रिटेन टू। कह रहा है डैश एक प्रकार की कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता है। जैसे आप मार्केट में गए और वहां से एक मूवी की सीडी ले आए, तो वो जो मूवी की सीडी थी वो क्या थी? उसको आप सिर्फ पढ़ रहे थे, यानी जो उसमें मूवी थी उसको देख रहे थे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। तो ऐसी मूवी की सीडी को क्या बोलते हैं गाइस? CDRW, CDR, CD ROM, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है CD ROM, रीड ओनली मेमोरी, है ना। लिखा भी वही हुआ है कि जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सीडी को क्या बोलते हैं? CD ROM, CD रीड ओनली मेमोरी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी मूवीज की सीडी आप लेने गए, वो CD ROM का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अ डैश इज अ ब्लैंक डिस्क दैट कैन बी रिटन वंस एंड रीड आर्बिट्रेरली मैनी टाइम्स। डैश एक खाली डिस्क है जिसे एक बार लिखा जा सकता है और मनमाने ढंग से कई बार पढ़ा जा सकता है। आप लिखेंगे तो एक बार लेकिन पढ़ेंगे बार बार, ऐसी डिस्क को क्या बोलते हैं जिसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं लेकिन लिखेंगे एक बार? एक बार जो कमिटमेंट कर दी, फिर इसके बाद तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती, तो ऐसी डिस्क को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड CDR। CDR का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसको आप मार्केट से लेकर आए, बिल्कुल खाली थी, ब्लैंक थी, एक बार आपने उसमें कुछ लिख दिया, अब उसके बाद आप कुछ और नहीं लिख सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक डिस्क दैट कैन बी रिटन वंस, एक बार लिख सकते हैं, एंड रीड आर्बिट्रेरली, और कई बार पढ़ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट, डैश इज अ ब्लैंक सीडी, कह रहा है ये भी बिल्कुल खाली है, आप मार्केट में गए, ब्लैंक सीडी खरीद के ले आए, दैट कैन बी रिटन बाई अ सीडी बर्नर, उस पर आपने सीडी बर्नर की मदद से लिखा। दिस डिस्क कैन बी रिटन, इस पे लिखा जा सकता है, इसको रीड किया जा सकता है, इसको इरेज किया जा सकता है, और फिर इस पे लिखा जा सकता है, बार बार लिखा जा सकता है, बार बार इरेज किया जा सकता है, ऐसी डिस्क को क्या बोलते हैं? डैश एक खाली सीडी है जिसे सीडी बर्नर द्वारा लिखा जा सकता है, इस डिस्क को लिखा, पढ़ा, मिटाया और फिर से लिखा जा सकता है। दैट इज कॉल्ड CDRW। बिल्कुल सही आपने बताया आंसर, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, है ना, इंटेलिजेंट तो आप हैं, नो डाउट। करेक्ट आंसर है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए?
आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने समझा। हमने कहा सीडीआरडब्ल्यू क्या है, सीडी रीराइटेबल है जिसमें बार बार लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, रीराइटेबल है। ब्लैंक मिलती है मार्केट से, बिल्कुल खाली मिलती है और उसमें हम लोग रीराइट कर सकते हैं, ये सीडीआरडब्ल्यू है। सीडीआर क्या है, ये भी मार्केट से बिल्कुल ब्लैंक मिलती है, खाली होती है, लेकिन राइट वंस, इसमें सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है और उसको बार बार पढ़ा जा सकता है। जबकि सीडी रोम क्या है, इसमें हम लिख नहीं सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं, ओनली रीड नॉट रिटन, दैट इज कॉल्ड सीडी रोम। तो इन तीनों को याद रखिएगा, यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी एंड वोलाटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी सेमी कंडक्टर मेमोरी है और अस्थिर मेमोरी है? जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा वोलाटाइल, आप समझ जाइए वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब रैम, लेकिन सेमी कंडक्टर दिया है, सेमी कंडक्टर का मतलब रैम और रोम दोनों होती हैं, लेकिन रोम तो परमानेंट होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, और रैम आपकी कैसी है, टेम्परेरी है, वोलाटाइल है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली रैम। अगर दिया होता सेमी कंडक्टर तो इस केस में रैम और रोम दोनों हो जाता, लेकिन सेमी कंडक्टर के साथ साथ वोलाटाइल यानी टेम्परेरी भी दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, ओनली रैम इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। स्टैटिक रैम इज अ टाइप ऑफ रैम एंड इज मेड अप ऑफ। स्टैटिक रैम एक प्रकार की रैम है और किससे बनी होती है? गारंटी है गलत आंसर करेंगे इससे, और तभी ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, है ना? आप देख लीजिएगा, आपने गलत आंसर ही किया होगा। स्टैटिक रैम होती क्या है पहले एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैटिक रैम आप लोग जानते हैं वो रैम होती है जिसकी मदद से कैशे मेमोरी को डेवलप किया जाता है। स्टैटिक रैम इज यूज्ड टू डेवलप कैशे मेमोरी। डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में स्टैटिक रैम बहुत फास्ट होती है। स्टैटिक रैम इज फास्टेस्ट व्हेन इट कंपेयर्स टू डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम की बात करें तो ये किससे मिलके बनी होती है? ट्रांजिस्टर से। तो मैक्सिमम कैंडिडेट आंसर क्या लगा देते हैं? ट्रांजिस्टर। लेकिन अगर ऑप्शन में फ्लिप फ्लॉप है तो पहला आंसर क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप होगा। अगर फ्लिप फ्लॉप नहीं है तो आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा। याद रखिएगा इस बात को, यही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में गलती कैंडिडेट क्या करते हैं, आंसर लगाते हैं ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये लिखा भी होता है कि स्टैटिक रैम इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, लेकिन ये ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट से मिलकर बनी होती है। ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट जिसे हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर भी कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, और स्टैटिक रैम भी इज अ टाइप ऑफ रैम एंड इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में फ्लिप फ्लॉप गिवन नहीं है तो आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इस बात को लिख भी दिया है कि स्टैटिक रैम मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जिसे ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट भी बोलते हैं, जबकि डायनेमिक रैम वो रैम होती है जो हमारे और आपके कंप्यूटर्स में लगी होती है, स्मार्टफोन्स में लगी होती है, टैबलेट में लगी होती है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम। और डायनेमिक रैम हमेशा ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से मिलकर बनी होती है। तो अगर एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाए कि डायनेमिक रैम किससे मिलकर बनी होती है और ऑप्शन में ट्रांजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज। और अगर बोथ ऑफ दीज नहीं है तो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर, क्योंकि डायनेमिक रैम को सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर की मदद से भी बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, डायनेमिक रैम कैपेसिटर, स्टैटिक रैम ट्रांजिस्टर, लेकिन प्रायोरिटी देंगे किसको? फ्लिप फ्लॉप को। वेरी गुड। विच मेमोरी इज परमानेंट। कौन सी मेमोरी परमानेंट है?
एंड इज यूज फॉर स्टोरिंग द बायोस इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू स्टार्ट द कंप्यूटर। कितना आसान क्वेश्चन है ये, कौन सी मेमोरी स्थाई है और इसका उपयोग कंप्यूटर शुरू करने के लिए विनिर्माण के समय बायोस निर्देश संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है रैम, कैशे, रजिस्टर, हार्ड डिस्क या रोम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, हमने देखा परमानेंट और देखा बायोस, यानी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बायोस के लिए, और बायोस कहां पर स्टोर होता है, रोम में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रोम हमारी परमानेंट भी है और बायोस इंस्ट्रक्शन को स्टोर भी करती है। सो द करेक्ट आंसर इज रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारी क्या है, टेम्परेरी। कैशे क्या है, टेम्परेरी। रजिस्टर क्या है, टेम्परेरी। जबकि हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट है लेकिन ये डेटा को स्टोर करती है, बायोस के इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं करती ना, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज टिपिकली लोकेटेड। वर्चुअल मेमोरी से भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। कह रहा है वर्चुअल मेमोरी आमतौर पर स्थित होती है कहां पर, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में, इन अ फ्लैश कार्ड, ऑन अ फ्लॉपी डिस्क या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर, कह रहे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी होता क्या है, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। जैसे कई बार आपके पास में पैसे नहीं होते तो आप क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, अपने भाई के पास जाते हैं, अपनी बहन के पास जाते हैं या अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और उनसे पैसा उधार मांग लेते हैं या पैसा ले लेते हैं कि इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है दे दो हमें, है ना, मिल जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कितने बढ़िया हैं, है ना, हम गए, एक सपोर्ट है हमारे पास में और पैसे मांगे मिल गए, तो लगने लगता है कि कितने अमीर हो गए हैं, है ना। जैसे पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी बहुत है तो बच्चों को लगने लगता है कि उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, है ना, वो बहुत अमीर है, जबकि पेरेंट्स ने इतना वर्क किया होता है तो उनको चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़े होके, है ना, वो काम करके दिखाएं। यही है वर्चुअल मेमोरी, यानी रैम की जो साइज होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन रैम को लगने लगता है कि उसके पास जो साइज है वो अनलिमिटेड है। क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट आने पर रैंडम एक्सेस मेमोरी हार्ड डिस्क से स्पेस को उधार मांग लेती है और हार्ड डिस्क उसको स्पेस दे देती है, और इसी को बोलते हैं क्या, वर्चुअल मेमोरी। कैसे होता है फिर से समझिए इस बात को, रैम एक के पास बहुत कम मेमोरी होती है, रैम को कई बार ऐसे प्रोग्राम्स रन करने होते हैं जितनी मेमोरी उसके पास होती ही नहीं, तो रैम क्या कहती है, रैम जाती है हार्ड डिस्क के पास और कहती है भाई जरा सुनो, मुझे कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट है, क्या मुझे दोगे। हार्ड डिस्क कहता है जो हुक्म मेरे आका, बिल्कुल आपको स्पेस मिल जाएगी, जब भी आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट हो मेरे दरबार चले आना और स्पेस आपको मिल जाया करेगी। रैम बड़ी खुश हो जाती है और जब भी रैम को स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हार्ड डिस्क का दरवाजा खटखटाती है और स्पेस उसको मिल जाती है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, यानी आंसर क्या होगा, वर्चुअल मेमोरी इज टिपिकली लोकेटेड ऑन दी हार्ड ड्राइव। यानी हार्ड डिस्क कहें या हार्ड ड्राइव कहें, बात एक ही है। समझ में आया, वेरी गुड। पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड किस तरीके की स्टोरेज मानी जाती है, फ्लैश मेमोरी, वोलाटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट या ऑल ऑफ दीज। हम लोग ये कई बार पढ़ चुके हैं कि पेन ड्राइव की बात करें, मेमोरी कार्ड की बात करें या SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें, इन तीनों को फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा गाइस, दिस इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, दैट इज द करेक्ट वन। और कई बार क्वेश्चन ये भी तो आता है कि पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पेन ड्राइव को और क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा, फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच मेमोरी यूजेज अ कैपेसिटर इन इट्स मेमोरी सेल। कौन सी मेमोरी अपने मेमोरी सेल में कैपेसिटर का उपयोग करती है,
अभी अभी हम लोग ने देखा पीछे कि कैपेसिटर का इस्तेमाल किसमें होता है, डायनेमिक रैम में, यानी वो रैम जो हमारे और आपके कंप्यूटर्स में लगी होती है, जो गैजेट्स में लगी होती है ना, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, डायनेमिक रैम ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से मिलकर भी बनी होती है और सिर्फ कैपेसिटर से मिलकर भी बनी होती है ना, तो दैट इज करेक्ट वन। डायनेमिक रैम की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि डायनेमिक रैम कई बार रिफ्रेश होती है ना, इट रिफ्रेशेस मैनी अ टाइम्स विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स, कई मिली सेकेंड के अंतराल में ये बहुत बार रिफ्रेश की जाती है, दैट इज द अल्टीमेट वर्किंग ऑफ डायनेमिक रैम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? अभी मैंने आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझाया, मुझे बताओ कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का जो एम है, जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो क्या है? टू प्रोवाइड एडिशनल रैम, टू स्टोर टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, टू स्टोर दी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, इंटेलिजेंट आप हैं, है ना, बिल्कुल मेरे पे गए हैं आप। एंड द करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड एडिशनल रैम। अभी अभी हमने आपको बताया कि वर्चुअल मेमोरी के केस में रैम अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, क्यों? क्योंकि वो हार्ड डिस्क से स्पेस को उधार मांग लेता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो टू प्रोवाइड एडिशनल रैम स्पेस, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। वेरी गुड। अ मैलिशियस कोड हिडन इन साइड अ सीमिंगली हार्मलेस पीस ऑफ कोड इज कॉल्ड, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के टुकड़े के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड है, उसे क्या बोलते हैं? कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक कोड है, इसको छुपा के रखा गया है मैलिशियस कोड के अंदर, जो लग रहा है हार्मलेस है लेकिन है वो हार्मफुल, नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं बहुत शरीफ हूं, इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, है ना, ये प्रिटेंड करता है कि मैं बहुत शरीफ हूं लेकिन होता नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे गाइस? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, अ मैलिशियस कोड हिडन इनसाइड अ सीमिंगली हार्मलेस पीस ऑफ कोड, ये लगता है कि हार्मलेस है लेकिन है हार्मफुल, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, अ टेक्निक इन विच अ प्रोग्राम अटैक अ नेटवर्क बाई एक्सप्लॉइटिंग आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ऑपरेशंस, एक ऐसी तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशंस का फायदा उठाकर नेटवर्क पर हमला करता है, यानी नेटवर्क पर हमला करने की ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है जिसके थ्रू नेटवर्क पर हमला किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग को, आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस का सहारा लेकर नेटवर्क को क्या करना, नेटवर्क पर अटैक करना, दिस इज कॉल्ड स्मर्फिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, ईमेल बॉम्बिंग, पिंग स्टॉर्म, या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज स्मर्फिंग, इसे क्या बोलते हैं गाइस? दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड स्मर्फिंग। क्या होता है स्मर्फिंग? नेटवर्क पर अटैक कहलाता है ये, और इसमें हम सहारा किसका लेते हैं? आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस का, जिसकी मदद से नेटवर्क को डाउन कर दिया जाता है और हैकिंग कर ली जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि नेटवर्क पर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं और नेटवर्क को स्टॉप किया जा रहा है या सर्वर को हैक किया जा रहा है, तो इस तरीके के अटैक को क्या बोलते हैं? बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजना और सर्वर को हैक करना, दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डीडीओएस। ईमेल बॉम्बिंग क्या होती है ना, आप कहेंगे सर ईमेल बॉम्बिंग भी बता दीजिए। ईमेल बॉम्बिंग का मतलब बहुत सारे मेल भेजना, जैसे कई बार आपके पास में ऐसा होता होगा
कि कोई ऑफर आता होगा, उस समय आपके पास में बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं जिसको आप स्पैम बोलते हैं, जंक मेल बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेल्स का आना ऑटोमेटिकली, दैट इज कॉल्ड ईमेल बॉम्बिंग। नेक्स्ट, पिंग स्टॉर्मिंग क्या होता है? पिंग क्या होता है? कई बार अगर हमारे कंप्यूटर में, नेटवर्क में पिंग कम होगी तो नेटवर्क अच्छा चलेगा, और पिंग ज्यादा होगी तो नेटवर्क स्लो चलेगा या लाइव कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो पिंग का काम क्या होता है? जो लाइव कनेक्शन है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना, स्ट्रीमिंग को बढ़िया बना के रखना। जैसे कई गेमर्स होते हैं, वो जानते होंगे कि गेम खेलते समय पिंग का योगदान बहुत होता है। अगर पिंग सही से काम नहीं कर रही है तो आप नेटवर्क का मजा नहीं ले पाएंगे, आप रियल गेम्स नहीं खेल पाएंगे। तो कई बार पिंग को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया जाता है जिससे कि आपका नेटवर्क वीक हो जाए, और इस तरीके के अटैक को बोला जाता है पिंग स्टॉर्मिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, एन अटैक इन विच द यूजर रिसीव अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल इज कॉल्ड, एक ऐसा हमला जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स, कई सारे ईमेल आपको मिल रहे हैं, इस तरीके के अटैक को क्या बोलेंगे? ईमेल बॉम्बिंग बोलेंगे, है ना? अभी मैंने आपको बताया स्पैम आ जाते हैं, अनवांटेड मेल्स हैं, जंक मेल हैं, तो इस तरीके के अटैक को बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। नेक्स्ट, एन इंक्रिप्शन टेक्निक विद टू कीज इज कॉल्ड, दो की कुंजी वाली एक इंक्रिप्शन टेक्निक का नाम बताइए। इनक्रिप्ट करने का मतलब, व्हाट्सएप टेक्निक, जैसे व्हाट्सएप में आपने देखा होगा जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं किसी को, वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, यानी उसको कोई तीसरा पर्सन नहीं देख सकता, सिर्फ आप देख सकते हैं जिसने भेजा है, और जिसने रिसीव किया है वो देख सकता है, कोई दूसरा नहीं देख सकता। तो इसका मतलब, इसे बोलते हैं इंक्रिप्शन। और जहां पर दो कीज का यूज होता है, इस तरीके के इंक्रिप्शन टेक्निक को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। एक की का यूज होगा तो प्राइवेट की, और दो कीज का यूज होगा तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। वेरी गुड। डैश कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, कह रहा है यह है कंप्यूटर गति और भंडारण क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से निचले स्तर के होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? वो कंप्यूटर्स जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस मेंटेन करते हैं उन्हें बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आईबीएम के द्वारा मेन फ्रेम के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है, और मेन फ्रेम से नीचे जो कंप्यूटर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स कौन से होंगे? वो कंप्यूटर्स जिनका इस्तेमाल सर्वर लेवल पे किया जाता है उन्हें बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स। फिर से एक बार, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए करते हैं। बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, हर एक सेक्टर में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। लेकिन आजकल मेन फ्रेम कंप्यूटर की जगह पर क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। किसका यूज? क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल। लेकिन मेन फ्रेम से लोअर कैपेसिटी वाले जो कंप्यूटर्स हैं दैट इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स, जिनका इस्तेमाल सर्वर में किया जाता है। तो सर्वर में यूज होने वाले कंप्यूटर्स आर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6, 5, 7, 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। पूछा जाता है एग्जाम में कि 6, 5, 7, 8 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट यानी नाइन्थवा पूरक क्या है, कैसे निकालेंगे इसको? बहुत आसान है। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? हर एक डिजिट को 9 में से माइनस कर दीजिए, यानी 9 माइनस 6, 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 8, जो आंसर आएगा दैट इज दी नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6, 5, 7, 8। यानी हम कह सकते हैं कि 9, 9, 9, 9 माइनस 6, 5, 7, 8 दैट इज 3, 4, 2, 1। हर एक डिजिट को माइनस करें या फिर ऐसे लिखकर माइनस कर दे, बात तो एक ही है। तो आंसर क्या मिलेगा?
3421, तो कोई भी नंबर गिवेन होगा उसको 9 से माइनस करने पर जो आंसर आएगा दैट इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। कितना आसान है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताइए, जावा, पाइथन, सेम्यूला, स्मॉलटॉक या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन उठता है सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसका नाम बताइए और पहली है, जैसे C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, हम यहां पर कोड को क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। नहीं समझ में आया, आइए बताते हैं। जैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया और हमसे पूछा गया कि सॉफ्टवेयर को कितने समय में बना के दे देंगी, हमने कहा आपको कब चाहिए, तो डेवलपर ने, तो जो क्लाइंट था उसने कहा कि ये सॉफ्टवेयर हमें 2 दिन में दे दो। हमने कहा इतना बड़ा सॉफ्टवेयर 2 दिन में चाहिए, उसने कहा हाँ 2 दिन में चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ बने बनाए मॉड्यूल्स हमारे पास में होंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, उनको जोड़ेंगे, कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करेंगे और दे देंगे। यानी हमने क्या किया, उसको रीयूज किया, बने बनाए कोड को रीयूज करते हुए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया और वो दे दिया। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी भी नहीं समझ में आया, आइए इसको आसान भाषा में समझें। जैसे अगर घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए जो ग्रेवी होती है उनको एक बार बना लेते हैं और अलग अलग डिशेज में उसी ग्रेवी को पोर कर देते हैं, डाल देते हैं, तो क्या होता है कि समय भी बचता है और टेस्ट भी बढ़िया आ जाता है। यही करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, बने बनाए मॉड्यूल्स को प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करके जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का ये तरीका है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सेम्यूला, दैट इज कॉल्ड सेम्यूला। और अगर यहां पर पूछा जाए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फर्स्ट की जगह पर अगर प्योर शब्द का इस्तेमाल हो तो आंसर हो जाएगा स्मॉल टॉक। प्योर है स्मॉल टॉक और फर्स्ट है सेम्यूला। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेफर्ड कम्युनिकेशन मेथड यूज्ड विद सिस्टम ऑन अ बॉटनेट, कह रहा है बॉटनेट पर सिस्टम के साथ उपयोग की जाने वाली पसंदीदा संचार विधि क्या है। बॉटनेट का मतलब क्या होता है, रोबोट नेटवर्क, बॉटनेट इज कॉल्ड रोबोट नेटवर्क। और रोबोट अगर कम्युनिकेशन करेगा तो कैसा करेगा, बहुत तेजी से करेगा, चैट करेगा अपने आप, एंड दिस इज कॉल्ड IRC, इंटरनेट रिले चैट। आपने कई बार देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स में जब आप चैटिंग करते हैं तो वहां कोई ह्यूमन नहीं होता, वहां आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक बॉट होता है जो जैसे ही आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर देता है, तो दैट इज कॉल्ड बॉट एंड दिस टाइप ऑफ चैटिंग इज कॉल्ड इंटरनेट रिले चैट। वेरी गुड। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग द वेबसाइट, वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ब्राउजिंग करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है, इंटरनेट के ऊपर TCP, HTTP, FTP, DHCP या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग द वेबसाइट। क्लियर है, तो HTTP प्रोटोकॉल को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और सर्वर इसकी रिस्पॉन्स देता है, तो दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इन MS Word 365 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। MS Word 365 में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, हम जानते हैं कहीं भी अगर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने की बात की जाए किसी भी वर्जन में तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल क्यू होगा
फॉर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, कंट्रोल क्यू इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, डैश इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस. आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, है ना, गारंटीड है ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है. डैश एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग डिवाइस के आईपी पते से मैक पता खोजने के लिए किया जाता है. तो अगर कभी भी क्वेश्चन में मैक एड्रेस को फाइंड करने की बात हो तो आंसर क्या होगा, एआरपी होगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा. और अगर क्वेश्चन में फाइंड द आईपी एड्रेस दिया हो तो आंसर आरएआरपी होगा, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा. याद रखिएगा, मैक एड्रेस को फाइंड करना है तो एआरपी, आईपी एड्रेस को फाइंड करना है तो आरएआरपी. याद रखिएगा, गलत मत करिएगा. इन एक्सेल हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन अ सिंगल सेल. एमएस एक्सेल में एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं, तो एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स टाइप करेंगे, द आंसर इज 32,767 कैरेक्टर्स, यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. समझ में आया कि फोर्थ ऑप्शन कैसे हुआ. ऑप्शन नंबर 4, इस पर ही करिएगा विचार. तो इतने कैरेक्टर्स हम टाइप कर सकते हैं एक सेल में. नेक्स्ट, इन ब्राउजर टोटल डैश कुकीज आर अलाउड. ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज अलाउड होती हैं, कुल कितनी कुकीज की अनुमति होती हैं, बताइए. कुकीज क्या है, कुकीज टेक्स्ट फाइल है, कुकीज सेंड कौन करता है, कुकीज सेंड करता है सर्वर, कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं, कुकीज स्टोर होती हैं ब्राउजर में यानी क्लाइंट में, और कुकीज रखती क्या है, कुकीज हमारे यूजर नेम पासवर्ड को मेंटेन रखती हैं, और इसके साथ साथ जो भी हम सर्च करते हैं इंटरनेट पर वो सारी इंफॉर्मेशन कुकीज में स्टोर हो जाती है. यस, और कुकीज कुल एक ब्राउजर में टोटल कितनी कुकीज अलाउड है, द आंसर इज 300 कुकीज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. निम्नलिखित में से कौन सा एक तेज प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या नन ऑफ दीस. हम जानते हैं सबसे तेज काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका यूज बैंक में भी किया जाता है, सभी सेक्टर्स में लगभग लगभग किया जाता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, इन पावर पॉइंट 2021 विच इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज. पावर पॉइंट 2021 में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है. हम जानते हैं कि सेव एज करने के लिए F12 फंक्शन की कभी यूज करते हैं, है ना, कई बार फंक्शन की पूछ लेते हैं, तो आंसर होगा F12. शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस इन पावर पॉइंट, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन, है ना. याद रखिएगा, सेव एस के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का होता है यूज. नेक्स्ट, दिस प्रोटोकॉल अलाउज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड अदर डिजिटल म्यूजिकल टूल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. यह प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य डिजिटल संगीत उपकरणों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है. जैसे ही क्वेश्चन में देखा प्रोटोकॉल म्यूजिक, लगा दिया आंसर MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, दैट इज द करेक्ट आंसर. और इसकी फुल फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. MIDI की फुल फॉर्म क्लर्क के पेपर में खासतौर पर बहुत पूछी जाती है, दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीबूटिंग इज कॉमनली अकर्ड व्हेन द सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज क्रैश. निम्नलिखित में से कौन सी रीबूटिंग आमतौर पर
तब होती है जब कंप्यूटर का सिस्टम क्रैश हो जाता है। क्रैश का मतलब अपने आप बंद हो जाता है, खुल जाता है, बंद हो जाता है, खुल जाता है, जब हमारा कंप्यूटर कई बार डीजे बन जाता है ना, अपने आप कंट्रोल हो रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। तो इस तरीके के केस को बोलते हैं क्रैश हो जाना। और यहां पर जो रीबूटिंग होती है दैट इज कॉल्ड रैंडम रीबूटिंग। रैंडम मतलब अपने आप कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है ना, आत्मा का प्रवेश हो चुका है, सो दैट इज कॉल्ड रैंडम रीबूटिंग। अब अगर हम यहां पर बात करें रीबूटिंग की या बूटिंग की, तो हम जानते हैं कोल्ड बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग होती है। क्या डिफरेंस है कोल्ड बूटिंग में? कोल्ड बूटिंग का मतलब जब हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं और ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। शट डाउन करके ऑन करना, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। और सिस्टम को रीस्टार्ट करना, जब किसी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो रीस्टार्ट करता है कंप्यूटर अपने आप को कई बार, इस तरीके की बूटिंग को बोलते हैं वार्म रीबूटिंग या वार्म बूटिंग। और रैंडम रीबूटिंग मतलब क्रैश के केस में जो बूटिंग होती है दैट इज कॉल्ड रैंडम बूटिंग या रैंडम रीबूटिंग। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आप जानते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। डैश इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट एंटरप्राइजेस यूजेस टू प्रोवाइड ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। डैश एक निजी नेटवर्क है, ये प्राइवेट है, जिसको उपयोग उद्यम विश्वसनीय तृतीय पक्षों को प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो थर्ड पार्टीज, ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज होती हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, पार्टनर्स, इनको जो नेटवर्क दिया जाता है प्राइवेट नेटवर्क, इसे क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है, बिल्कुल पता है, मुझे पता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। क्लियर है? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा गाइस? उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर हाँ तो एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन में, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस में कहीं कमी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को कम समय में, पीडीएफ से पढ़ के, फिर बीच बीच में वीडियोस को देखकर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और कंप्यूटर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन में से 36+ क्वेश्चन सही करने हैं, ये प्रॉमिस आपको करना है ना। इतनी मेहनत आप लोग के साथ में की जा रही है, मोटिव यही है कि सिर्फ पास नहीं होना है, यहां 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने की पूरी कोशिश करनी है। और आप कर सकते हैं, है ना, आप प्री क्लियर कर सकते हैं, आप इतनी मेहनत से पढ़ सकते हैं, ये जज्बा है आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसी जज्बे को बना के रखना है, और फाइनल सिलेक्शन इस बार लेकर रहना है। तो आपकी इस जर्नी को और भी आसान बनाने के लिए इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम आपको बेटर स्कोर करवाएं, और आप क्योंकि एग्जाम देने के बाद बोल पाए कि थैंक यू सो मच सचिन सर, आपकी वजह से कंप्यूटर में 35+ स्कोर कर पाए, बस यही हम सुनना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम देने के बाद ये आप जरूर बोलेंगे कि सर कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए, या फिर 35+ सही आंसर्स दे पाए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं दिए गए नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में शानदार 40 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।